हिमाचल प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार फेल साबित हुई है। विकास के मामले में प्रदेश 10 साल पीछे चला गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 4.5 साल आराम ही फरमाया है। अब चुनाव नजदीक आते देख प्रदेश का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। पुलिस पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच को लेकर मुख्यमंत्री ने झूठ बोला है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बातें भोरंज में जनसभा के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपनी पिछली चुनाव घोषणा पत्र में बेरोजगारों के लिए रोजगार नीति बनाने का वादा किया था, जिसे सरकार पूरा नहीं कर पाई। ये 14 लाख बेरोजगारों के साथ धोखा है। पुलिस पेपर लीक मामले ने सरकार की कथनी और करनी की पोल खोल दी है। मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच कराने की घोषणा की थी, जिसकी आज तक अधिसूचना जारी नहीं हुई। कांग्रेस ने 90 दिन के भीतर जांच पूरी कराकर दोषियों को सजा देने की मांग की थी, लेकिन अब तक जांच शुरू न होने से साफ है कि सरकार और पुलिस के संरक्षण में पेपर लीक हुआ है। कांग्रेस सत्ता में आते ही इस मामले की तह तक जाएगी और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजेगी। सुक्खू ने कहा कि भाजपा सरकार ने युवाओं का भविष्य अंधकार में बनाने का काम किया है। हर भर्ती के पेपर लीक हो रहे हैं। ये सरकार पेपर लीक सरकार बनकर रह गई है। अग्निपथ योजना युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है।